Hey everyone, welcome back to the channel. And आज वीडियो में हम उस पोकेमोन रीजन की बात करने वाले हैं जहां पर एश को एक नई फैमिली मिली, द अलोला रीजन। अब चाहे अलोला के गेम्स की बात करें विद आर्ग्यूबली वन ऑफ द बेस्ट पोकेमोन स्टोरी लाइन एवर, या फिर अलोला के एनिमे की विद एश बिकमिंग द फर्स्ट एवर अलोला चैंपियन, अलोला में सभी कुछ काफी ऑसम है। एंड इसीलिए आज वीडियो में विल बी टॉकिंग अबाउट 15 अननोन फैक्ट्स अबाउट द अलोला रीजन। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे एंड तक जरूर देखना एंड आई बेट आपको इनमें से 90% फैक्ट्स नहीं पता होंगे। एंड लास्टली, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना एंड बगल वाला नोटिफिकेशन बेल भी दबा लेना। एंड या नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 15, आप सभी को पता होगा कि लिली को पोकेमोन छूने से हमेशा से डर लगता था। एंड ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके चाइल्डहुड में एक अल्ट्रा बीस्ट नाइलीगो ने उसको उठा के अपने वर्ल्ड में ले जाने की कोशिश करी थी। बट ये फैक्ट नहीं था। फैक्ट तो ये है कि क्या आप जानते हो, लिली और नाइलीगो में कुछ तो बहुत बड़ा कनेक्शन है जो हमें आज तक क्लियरली नहीं पता है। एंड फॉर इंस्टेंस, आप लोग यहाँ पर दोनों का कंपैरिजन देख सकते हो और देख सकते हो दोनों कितने ज्यादा सिमिलर हैं। जब भी आप लिली की हैट, लिली के हेयर्स, लेग्स, ड्रेस, स्कर्ट या आर्म्स कुछ भी कंपेयर करोगे तो आपको वो सब नाइलीगो से सिमिलर लगेंगे। इवन पोकेमोन जर्नीज के एक रीसेंट एपिसोड में हमें एक अल्ट्रा बीस्ट दिखाया जाता है जो बिल्कुल लिली की जैसा दिख रहा होता है एंड पियानो प्ले करता है, एंड थोड़ी देर बाद वही अल्ट्रा बीस्ट नाइलीगो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सो आप देख सकते हो लिली और नाइलीगो में कुछ तो बहुत बड़ा कनेक्शन है। सो आपको क्या लगता है, क्या कनेक्शन है लिली और नाइलीगो अल्ट्रा बीस्ट का, कमेंट्स में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 14, आप सभी को पता होगा कि एश और उसके पिकाचू के पास एक एक्सक्लूसिव जी मूव है जो है 10,000 वोल्ट्स थंडरबोल्ट। बट क्या आप जानते हो, सेल्फ डैमेजिंग मूव्स के बाद एश के पिकाचू का जो जी मूव है वो पूरे पोकेमोन वर्ल्ड का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट मूव है। अब अगर आप लोग पूछने वाले हो कि फर्स्ट पे कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट मूव है, तो वो है अल्ट्रा नेक्रोजमा का जी मूव लाइट डैट बर्न्स द स्काई। सो और वो भी पिकाचू से सिर्फ 5 पॉइंट ज्यादा है। सो इस बात से आप लोग समझ सकते हो कि एश और उसके पिकाचू का जी मूव कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो वर्ल्ड का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मूव। मार्क माय वर्ड्स, अगर एश इस जी मूव को लियोन के चार्जार्ड के अगेंस्ट भी यूज कर देना तो वो भी फेंट हो सकता है, क्योंकि इस जी मूव से लिटरली एश का पिकाचू लेजेंडरी पोकेमोन से लेकर मोटर ड्राइव वाले पोकेमोन्स को भी हरा चुका है जो इलेक्ट्रिसिटी इजीली अब्सॉर्ब कर सकते थे। फैक्ट नंबर 13, क्या आप जानते हो मैलो और लिली पूरे पोकेमोन एनिमे के सबसे कम पोकेमोन रखने वाले मेन कैरेक्टर्स हैं, जहां दोनों के पास सिर्फ एक एक ऑफिशियल पोकेमोन है। फैक्ट नंबर 12, क्यों इस बात की इतनी बड़ी पॉसिबिलिटी है कि लिली लाइक्स एश। एंड अब मैं आप लोग को जो चीजें बताने वाला हूँ उनके बाद आपको सच में ऐसा लग सकता है कि सेरेना के बाद लिली के अंदर एश के लिए सबसे ज्यादा फीलिंग्स हैं। सो एक कॉमन छोटा सा फैक्टर रहेगा कि एश सारे ही अपने अलोला फ्रेंड्स में से लिली के साथ सबसे ज्यादा अटैच्ड है एंड दोनों ने सबसे ज्यादा टाइम भी स्पेंड किया। एंड सेकेंडली, लिली एश के मोटिवेशन के बाद काफी ज्यादा बार ब्लश कर चुकी है। बड़े काफी कॉमन फैक्टर्स हैं जो ऑलमोस्ट एश हर ही पोकेगर्ल के साथ डेवलप कर लेता है, तो आप कहोगे इसमें अलग क्या है। सो अलग चीज तो तब होती है जब लिली अलोला रीजन से जा रही होती है एंड वो एश को क्या बोल कर जाती है, खुद ही देख लो। See you later. Take care. Right. Ash, I... Ash? So, यहाँ पर लिली कुछ तो बोलने वाली होती है एश आए, बट शी गेट्स इंटरप्टेड बाय ग्लेडियन। सो आपको क्या लगता है, लिली यहाँ पर क्या बोलने वाली थी, आई लव यू एश, या फिर समथिंग लाइक आई विल मिस यू, या फिर आई वांट टू थैंक यू। क्योंकि जब लिली थोड़ी देर बाद शिप में बैठ जाती है तब भी वो काफी तेज चिल्लाती है ब्लश करते हुए और एश को पूरी ताकत से थैंक यू बोलती है। ये तो मिस्ट्री है कि लिली उस टाइम क्या बोलने वाली थी, बट जो भी हो लिली के अंदर एश के लिए काफी फीलिंग्स हैं एंड वी आर सर्टेन अबाउट इट। फैक्ट नंबर 11, एक छोटा फैक्ट बट आपने ये कभी नोटिस नहीं किया होगा। सो अलोला रीजन का जो नाम है अलोला, वो लिटरली एक पैलिंड्रोम है, यानी अलोला के नाम को आप चाहे स्टार्टिंग से पढ़ो या पीछे से पढ़ो, वर्ड अलोला ही बनेगा। क्या आपने कभी ये नोटिस किया था, कमेंट्स में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हो जो लूसा मीन है यानी लिली और ग्लेडियन की मदर, उसकी जो पर्सनालिटी गेम्स में लिटरली पूरा वो उसका उल्टा है एनिमे में, जहां एक तरफ वो गेम्स में काफी ज्यादा बुरी इंसान है जिसे अपने बच्चों की कोई केयर नहीं होती जब तक वो अपने मिशन पूरा करके मरने पर नहीं आ जाती है। हाँ, लिटरली लूसा मीन गेम्स में मर जाती है एंड वो बहुत डार्क डेथ होती है। वहीं दूसरी ओर एनिमे में वो एक बहुत ज्यादा अच्छी इंसान है एंड बहुत ज्यादा केयरिंग मदर है। एंड ऐसा प्रोबेबली इसलिए है क्योंकि गेम्स तो सभी के लोग खेल सकते हैं, बट एनिमे मेनली बच्चों के लिए होता है एंड बच्चों को ऐसी डार्क चीज़ें नहीं दिखा सकते। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हो अलोला ही एक ऐसा लौता पोकेमोन रीजन है जहाँ पर जो मेन कैरेक्टर है यानी हम लोग, हमारा घर किसी भी सिटी में लोकेटेड ही नहीं है, बल्कि इसमें हमारा घर एक रूट पे लोकेटेड होता है जो है रूट 1। सो जहाँ बाकी पोकेमोन गेम्स में आप अलग अलग सिटीज में रहते हो, वहाँ पे यहाँ पे आप अकेले रहते हो जंगलों के बीच में।
फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हो टोबायस के बाद मैलो एक ऐसी लौती पोकेमॉन कैरेक्टर है जिसने एक पोकेमॉन लीग में एक मिथिकल स्लैश लेजेंडरी पोकेमॉन का यूज़ किया है, जहाँ टोबायस ने डार्क राई का यूज़ किया था और मैलो ने शेमिन का, एंड एक्चुअली मैलो ने इस शेमिन को काफ़ी टाइम तक ओन भी किया है। फैक्ट नंबर 7, इवन दो अलोला रीजन बाकी रीजन से काफ़ी चीज़ों में अच्छा है, बट ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो बाकी है पोकेमॉन रीजन्स में हैं बट अलोला में नहीं है। दिस इंक्लूड्स अलोला ही एक ऐसा पोकेमॉन रीजन है जहाँ पर जिम और जिम लीडर्स नहीं होते, जहाँ पर एक भी नोटेबल आइस टाइप पोकेमॉन एक्सपर्ट भी नहीं है, जहाँ पर हम लोग को कभी भी बाइसिकल चलाने को नहीं मिलती, एंड लास्टली जहाँ पर पोकेडेक्स कंप्लीट करने पर आपको कोई भी सर्टिफिकेट या अवार्ड नहीं मिलता। फैक्ट नंबर 6, अगर आप लोग ने पोकेमॉन सन एंड मून खेला है या उसका एनीमे भी देखा है तो आपको पता होगा उसमें हम लोग को एक रोटॉम पोकेडेक्स मिलता है जो लिटरली एक चलता फिरता पोकेडेक्स है जिसके अंदर रोटॉम होता है। बट क्या आप जानते हो रोटॉम पोकेडेक्स खुद को ही आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है, यानी रोटॉम पोकेडेक्स से जब आप रोटॉम को स्कैन करवाओगे तो उसके लिए उसके पास कोई पोकेडेक्स एंट्री नहीं होती। बाद में एक फन फैक्ट, आश का जो रोटॉम फोन है उसने रोटॉम पोकेडेक्स को आइडेंटिफाई किया और दिखाया कि वो एक प्योर इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है। इससे हमें पता चलता है कि अगर रोटॉम पोकेडेक्स चाहे तो वो भी बैटल्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। फैक्ट नंबर 5, डू यू नो लाना एक ऐसी लौती पोकेमॉन ट्रायल कैप्टन है जो अपने पोकेमॉन्स को अल्ट्रा बॉल में नहीं रखती है, क्योंकि वो अपने पोकेमॉन्स को नेट बॉल में रखती है, जो एक्चुअली में काफी कूल चीज है। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हो अगर आप पोकेमॉन सन एंड मून का डेमो वर्जन खेलोगे और उसमें कुकुई के पिकाचू का मेट डेट देखोगे, यानी वो दोनों कब मिले थे, तो वो डेट होती है May 10, 2016, एंड द फैक्ट इज ये वही डेट है जिस दिन पोकेमॉन सन एंड मून गेम्स ऑफिशियली अनाउंस किए गए थे। लगता है जिस दिन हम लोग पोकेमॉन सन एंड मून गेम्स के आने की खुशी मना रहे थे उस दिन कुकुई को उसका पिकाचू मिल गया था। फैक्ट नंबर 3, काफी टाइम से ऐसी थ्योरीज चलती आ रही हैं जो हमें बताती हैं कि अल्ट्रा बीस्ट को भी हम लेजेंडरी पोकेमॉन बोल सकते हैं या फिर वो जस्ट नॉर्मल पोकेमॉन है, बस एक दूसरी दुनिया से। बट अगर ऑफिशियली देखा जाए तो पोकेमॉन अल्ट्रा सन एंड अल्ट्रा मून गेम्स की कोडिंग में क्लियरली लिखा है कि अल्ट्रा बीस्ट सब लेजेंडरी कैटेगरी से होते हैं, एंड कुछ इसी तरह पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड गेम्स में पियोनी नाम का एक कैरेक्टर भी हमें बताता है कि अल्ट्रा बीस्ट भी लेजेंडरी ही है। सो आपको क्या लगता है अल्ट्रा बीस्ट लेजेंडरी कहलाने के लायक है कि नहीं? मुझे तो लगता है नहीं है, क्योंकि लेजेंडरी पोकेमॉन्स का हमेशा वर्ल्ड से कोई कनेक्शन होता है बट अल्ट्रा बीस्ट नॉर्मल पोकेमॉन्स है जो दूसरे वर्ल्ड से है। फैक्ट नंबर 2, हम सभी को पता है जो अल्ट्रा बीस्ट होते हैं वो बाकी पोकेमॉन से काफी ज्यादा अलग होते हैं, बट क्या आप जानते हो पोकेमॉन कंपनी ने काफी मजेदार सी चीज करी है अल्ट्रा बीस्ट के साथ जो उन्हें और अलग बनाती है एंड जो ऑलमोस्ट किसी पोकेफैन ने नोटिस नहीं करी। सो जितने भी अल्ट्रा बीस्ट हैं उनके जितने भी स्टार्ट्स हैं, चाहे आप टोटल स्टार्ट्स ले लो, चाहे अटैक डिफेंस एचपी स्पेशल डिफेंस या स्पेशल अटैक या स्पीड, अल्ट्रा बीस्ट का आप कोई भी स्टार्ट उठा के देख लो वो जो नंबर है वो प्राइम नंबर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल ये गजलॉर्ड के स्टार्ट्स है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये जितने भी नंबर्स है उसके किसी भी स्टार्ट या टोटल स्टार्ट में वो सब के सब प्राइम नंबर्स हैं। प्रिटी क्रेजी राइट? एंड फाइनली फैक्ट नंबर 1, सो पोकेमॉन अल्ट्रा सन एंड अल्ट्रा मून गेम्स की एंडिंग में जितने भी लोग होते हैं वो सारे पोर्टल्स को बंद कर देते हैं जिससे अल्ट्रा बीस्ट अपने घर वापस जा पाए एंड वापस इस दुनिया में आकर डिस्ट्रक्शन ना कर पाए। बट क्या आप जानते हो लिटरली वो लोग एक वर्म होल को बंद करना ही भूल जाते हैं एंड अभी भी वो खुला ही हुआ है। एक्चुअली ये वही वर्म होल है जिसके अंदर हम लोग जाके बड़े मजे से ट्रैवल कर सकते हैं वर्म होल टू वर्म होल, बट एक्चुअली में ये काफी बड़ी गलती है क्योंकि अगर अल्ट्रा बीस्ट को पता चल गया कि अभी भी एक वर्म होल खुला है तो वो लोग फिर से वर्ल्ड में आकर डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, इवन अर्थ को खत्म भी कर सकते हैं। पर सब तो हमारे ही भरोसे बैठे होते हैं। इमेजिन करो आप बड़े मजे से सेलिन के साथ बीच पे चिल मार रहे हो और आपको याद भी नहीं है कि एक वर्म होल अभी भी खुला हुआ है। आप और सेलिन यहाँ बैठ के बड़े मजे से नज़ारे ले रहे हो और वहाँ सारे अल्ट्रा बीस्ट आज़ाद हो गए नेक्रोजमा के साथ मिलके। मुझे नहीं लगता मुझे बताने की ज़रूरत है फिर क्या होगा। So that is it for today, guys. अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाजू वाला घंटा भी दबा देना। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता आप सब्सक्राइब बटन पे थंडरबोल्ट करो या फ्लेम थ्रोवर, बस तब जाना चाहिए। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना क्योंकि उससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है और ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए। चैनल से अपडेटेड रहने के लिए मेरे डिस्कॉर्ड और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना और गेमिंग पोकेमॉन वीडियोस देखने के लिए मेरे ब्लेस प्लेस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सबके लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ये रहा आज का पोके क्विज, सबसे पहले आंसर करने वाले को मैं पिन करूंगा। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन बाय बाय।